नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, डीएसपी और महिला कांस्टेबल का स्विमिंग पूल में नहाते अश्लील हरकतें वाला वीडियो हुआ था वायरल। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्ट के तहत गिरफ्तार। अजमेर में राजस्थान में रिश्ते पेशे और समाज को शर्मसार करने वाला एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने लोगों के शर्म से पानी पानी कर दिया। वीडियो इतना अश्लील है कि दिखाना भी शर्मनाक है। इस वीडियो ने एक के बाद एक पुलिस वालों को 3 दिन में ही सस्पेंड भी करवा दिया है। यह वीडियो राजस्थान पुलिस के एक आला अधिकारी और महिला कांस्टेबल का है और इन दोनों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्ट के तहत राजस्थान की सबसे बड़ी पुलिस एजेंसी SOG ने गिरफ्तार किया है। इस वीडियो में महिला कांस्टेबल अपने आशिक पुलिस अधिकारी के साथ मिलकर अपने 6 साल के बच्चे के साथ बेहद अश्लील हरकतें करती नजर आ रही। राजस्थान पुलिस के एक DYSP और एक महिला कांस्टेबल का वायरल हुआ है। यह वीडियो इतना अश्लील है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते, लेकिन जिसके पास भी यह वीडियो पहुंचा है और जिसने भी इस घटना के बारे में जाना तो वही शर्मसार हो गया। इस वीडियो में RPS अधिकारी हीरालाल सैनी और जयपुर पुलिस में तैनात एक महिला कांस्टेबल का है जो कि एक स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। उनकी अश्लील हरकतें किसी को भी चौंकाने और शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। इस वीडियो में मौजूद इस महिला कांस्टेबल की अपने 6 साल के बच्चे के साथ की जा रही अश्लील हरकत काफ़ी गंभीर है। इस वीडियो के सामने आने के बाद मारुति DYSP और महिला कांस्टेबल को चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। यह मामला न केवल पुलिस विभाग बल्कि समूचे मानवता के लिए कितना शर्मसार रहा होगा इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसलिए इस वीडियो के सामने आने के महज 72 घंटे के अंदर RPS अधिकारी और महिला कांस्टेबल समेत कुल 6 पुलिस अफसर सस्पेंड किए जा चुके हैं।